पुलिस वाले डंडे मार मार के फोर्स करके आ गए। यहां साइड जी बंद बोल ले, यहां साइड जी बंद बोल ले, बोला क्या कर रहा मैडम। हां बस में आप लोग पब्लिक खड़ी है, सीट वाइज फुल है। और ये बोलते हैं कि बस में कोरोना नहीं होगा, गवर्नमेंट का है बोले, और ऑटो में कोरोना होगा, प्राइवेट चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी पुलिस वाला आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासीन जोहरी है, मैं रिक्शा यूनियन लीडर हूँ, स्टैंड अध्यक्ष। कल के दो दिन के लॉकडाउन में हम रिक्शा वालों को बहुत तकलीफ हुई। पुलिस वालों ने और ऊपर से ऑर्डर आया था कि रिक्शा चलेंगी, दो सीट अलाउड है, बट पुलिस वालों ने हमारे को स्टैंड पर रिक्शा लगाने नहीं दिए और बोल रहे थे तुमको लगाने का परमिशन है नहीं। ओला कैब चल रही थी, बस में ओवर सीट जाती है वो चलता है उनको, और रिक्शा में तीन सीट बैठेंगे तो कोरोना फैलता है बोलते हैं। ऐसा करके रिक्शा वालों को 1,000 रुपये 500 रुपये फाइन मारते हैं, और सब कुछ रहने के बावजूद भी तो नया नया कानून बताते, फिर प्लस उनके बाद ऐसा है पुलिस वालों का बोलना कि तुम घर पे बैठो, कुछ रिक्शा शिफ्ट पे, कुछ लोगों का लोन बाकी है, कैसा घर चलेगा, लोन कैसा भरेंगे, शिफ्ट कैसी निकालेंगे। ना सरकार कुछ कर रही है, ना यूनियन के ऊपर वाले कुछ करते। यूनियन हमको परमिशन देती है गाड़ी चलाने का, पुलिस वाले स्टैंड पर से गाड़ी निकालते, बोलते 5 ही गाड़ी लगाना है, तो 50,000 से ज़्यादा रिक्शा है, 5 गाड़ी लगाएंगे तो बाकी के रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे। और पुलिस वालों का ये है ना जो रवैया, रिक्शा वालों को मारते हैं, लकड़ी से मारते हैं, गाड़ी की कांच वगैरह फोड़ते हैं, बहुत गलत अत्याचार करते हैं। रात में 10 बजे के बाद तो डेली यही होता है, आज पुलिस वाले आके मारते हैं रिक्शा वालों को। लॉकडाऊन 2 दिवसाचं लागलं होतं आणि त्याच्यानंतर तर 15 दिवसाचं लॉकडाऊन लागणार आहे, काय सांगू शकाल आपण? अभी ये 15 दिन के लॉकडाऊन में मॅडम, जो कहते हैं ना 2 दिन के लॉकडाऊन में बहुत बुरे हाल हुए। ऑटो चलाने का परमिशन है तो पुलिस वालों को ऑटो चलाने देना चाहिए रिक्शा वालों के लिए। हाँ, एक्सेप्ट करते अगर 2 सीट है तो 2 सीट से तीसरी सीट नहीं लेंगे। जो ऑटो वाला 3 सीट लेता है उस पर कार्रवाई करो, एक के वजह से आप सबको तकलीफ मत दो ना, बराबर ना। हाँ। तो ऐसा है पुलिस वाले बोलते 2 ही सीट लेके जाओ, 2 सीट में भी कोरोना हो रहा है, तुम गाड़ी यहाँ पर लगाओ ही मत स्टैंड पे। अब गाड़ी चलाएंगे नहीं तो मैडम क्या खाएंगे रिक्शा वाले? आपका क्या अपेक्षा है? हमारी ऐसी अपेक्षा है कि हमको रिक्शा चलाने दे और हमारे को प्लस कुछ तकलीफ ना दे पुलिस वाले। जो हम लोग 2 सीटें हैं सब नियम का पालन करेंगे, सैनिटाइज़र मास्क भी लगा कर, और रिक्शा वाले कोरोना टेस्ट कर गाड़ी चला रहे हैं, उनके जेब में पावती वगैरह सब है। कुछ कुछ पुलिस वाले बोल रहे हैं पावती नहीं चलेंगी, दूसरा टेस्ट करवा कर आओ, तो ऐसा तो नहीं चलेगा मैम। कितने देखो अभी धंधे पानी की पोजीशन सबको पता है एकदम डाउन है, तो कुछ जगह पर टेस्ट का पैसा लेते हैं 2500-3000 रुपये, कुछ जगह पर फ्री में हो रहा है, जहाँ फ्री में हो रहा है तो कुछ पुलिस वाले बोलते हैं कि ये पावती नहीं चलेंगी। तो अभी कैसा करने का ये इसका जो है ना, सरकार को कुछ करना चाहिए रिक्शा वालों के बारे में। माझं नाव शेख मोहम्मद अली अब्दुल जाफर। जे लॉकडाऊन लागलं होतं 2 दिवसाचं, त्या संदर्भात आपल्याला काय समस्या आल्या समोर जावं लागलं? 24 तास आमची गाडी हलवली नाही, इथून भाडा भेटला नाही आम्हाला, आम्ही असंच उपाशी मारायची वेळ आली। आपल्याला काय वाटतं, लॉकडाऊन हे लावलं हे व्यवस्थित आहे की राज्य सरकारचे नियम काय नियम लागायला पाहिजे? नाही नाही, ते कोरोना आहे तर त्यांनी लावलं ते बरोबर आहे, पण माणसाला जे गरीब माणूस आहे, रोज कमवणार आहे, खाणार आहे,
त्यांच्याकडे त्यांनी बघायला पण पाहिजे होता का बाबा यांचा पोट कसं काय भरणार असं होता ना, विशेषतः हा होता पोट भरायचा, पण त्यांनी काहीच केला नाही आमच्यासाठी. हां असं आहे, त्यांनी काहीतरी करायला पाहिजे होता आमची काहीतरी. 2 दिवसाचा लॉकडाऊन लागला होता, या संदर्भात आपण काही सांगू शकाल का? हां सांगू शकतात ना का बाबा हे लॉकडाऊनमध्ये पोलिसांनी इतका आम्हाला हैराण केला, दंडे मारून गाडी इथं स्टँडवरती लावायला दिला नाही, पण त्यांनी काही नियम वगैरे काहीच केला नाही. आणि अगोदर 2 दिवस अगोदर बोलायला पाहिजे होता, त्यांनी काय बोलला नाही, असंच लॉकडाऊन लावा लॉकडाऊन लावा लॉकडाऊन लावा. 1 दिवस बोलतात, 10-15 दिवस लॉकडाऊन लावतात, आम्ही कुठून पोट भरणार? आम्हाला तर रोज कमवायचं आणि रोज खायचं, आमच्याकडे काही शिल्लक पैसे नाही बँक बॅलन्स करून. हां गाडीचे हप्ते आहे आणि गाडीचा मेंटेनन्स आहे, गाडीची पासिंग आहे, काय RTOने आम्हाला काय इन्शुरन्स वगैरे काय थक बाकी काय असा दिलेला नाही फ्री. त्या मुद्दतपर्यंत तितकाच आम्हाला एक टाईम दिला होता का बा इतके दिवस तुम्हाला पेपर कोणी अडवणार नाही, चेक करणार नाही. पण ते तर विशेषतः संपला ना, वर्षाचा वर्ष संपला आमचा. आम्हाला तर परत सर्व भरायला लागला, पासिंग करायला लागला, इन्शुरन्स भरायला लागला, सर्व भरायला. असं आम्हाला म्हणजे काय इन्कम नाही काय नाही, पण ते भरायला लागतोच आम्हाला. म्हणजे सरकारने आमच्यासाठी काय विशेष अलग असा काय केला नाही किंवा काय देणगी दिली नाही सरकारने. गाली देने का राइट है पुलिस को, सीधा बोला ना मारने का राइट है, मारने का कांचे फोड़ रहे, किसी के बच्चे फोड़ दे रहे. ये बघा अभी शिप की गाड़ी की बत्ती फूटती है मैडम, तो वो धनी भर के लेता है, 100-120 रुपए की बत्ती है, तुम खुशहाल फोड़ रहे और डायरेक्ट हमारी माँ बहन पे से गाली दे, तो तुम्हारे को छूटे गाले देने. देखो इसके बारे में हम बोल रहे हैं, करो क्या बोला अरे बत्ती दिखाओ, ये देखो बत्ती. अपना नाम क्या है? मेरा नाम है शफीक शेख. मैडम अभी जो 2 दिन में परेशानी दी पुलिस वाले ने, अभी ये बोलते क्या यूनियन से परमिशन लाओ, हमारे यूनियन लीडर ने बंद किया है. अभी ये रिक्शा पे हमारे घर चलता है, अगर हमको घर में बिठा देंगे तो हम क्या करेंगे बराबर के नहीं? अब बस में तुम 30-40 जन को ले जा रहे, रिक्शा में 3 जन लेंगे तो तुमको तकलीफ होगी. अभी भोजते हैं ड्रॉ रात को चलाते हैं नाइट में, अब नाइट में कभी उनकी गाड़ी पकड़ लिए तो कोरोना टेस्ट की पावती कहाँ लाने जाएंगे? इतनी रात पर तुम बोलेंगे 1000 दे 500 दे, छिप की गाड़ी चलाने वाला 200 रुपये छिप के ऊपर नहीं दे सकता है, 500 भी नहीं दे सकता. तो ये क्या चीज़ के पैसे मांग रहे तू? ये टेस्ट बताओ वो टेस्ट बताओ, अब जो है फॉर्मेटिंग ये पन्नी सैनिटाइज़र वो तो रख रहे हैं आदमी बराबर के नहीं? अब तुम बोलेंगे अभी पावती लेके तो कहाँ से लाना? बस इसके बारे में बोल रहे हैं, अभी 50 दिन का लगाने वाला है तो जिसका घर रिक्शाओं पर चलता है वो कहाँ जाएंगे? सरकार को कुछ तो इसका भी निकालना मांगता है इलाज. लोक सोशल डिस्टन्स ठेवत नाही आहेत, रुग्ण वाढत आहेत, त्यावर हे लॉकडाऊन लागलेलं आहे. मॅडम अभी कल हमको बोला की रिक्षामध्ये चालते, बसमध्ये नाही चालत मॅडम. टॅक्सी को नाही पकड रे आप, ओला को नाही पकड, ओला कुबेर में 3-4 जण अलाउड है तो बोले उसमें चलता है, वो कार है इसके लिए चलता है और हमारी काली बिल्ली इसके लिए. देखो अभी आप एक 5 गाड़ी लगाने का बोल रहा है जो पुलिस वाला है, ऑटो धर्म आप एक बोल रहे हैं हमारी गाड़ी लोगों बस ओवर लिमिट भर कर जा रही है. देखो गाली देने का राइट है पुलिस को, सीधा बोलो ना मारने का राइट है, मारने का कांचे फोड़ रहे, किसी के बच्चे फोड़ दे रहे. अभी शिप की गाड़ी की बत्ती फूटती है मैडम, तो वो धनी भर के लेता है, 100-120 रुपये की बत्ती है, तुम खुशहाल फोड़ रहे और डायरेक्ट हमारी माँ बहन पे से गाली दे, तो तुम्हारे को छूटे गाले देने की. देखो इसके बारे में हम बोल रहे हैं, अब करो क्या है बोला अरे बत्ती दिखाओ, ये देखो बत्ती.